आपने स्टार्टिंग में एनिमेशन देखा वही एनिमेशन क्रिएट करने वाले काइन मास्टर की मदद से, तो आप भी इस तरीके से सेम क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चाहो तो आप इस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रो भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो जो कि 3D में है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम है टेकिस्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन ओपन कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से न्यू टेक्स्ट दिख रहा है, वहाँ पर डबल टैप करके अपने यूट्यूब चैनल का, चाहो तो आप इंट्रो क्रिएट कर रहे हो तो अपने यूट्यूब चैनल का नाम टाइप कर देना, और नहीं तो आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो टाइप कर देना। तो चलिए यहाँ से मैं 3D टेक्स्ट यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से कर देना है ओके। देन दोस्तों इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से नीचे की साइट आना है, नीचे का ऑप्शन दिखेगा ए बी फॉन्ट का, उस वाले ऑप्शन पर टैप करके जो पिक्सेल में डिफॉल्ट फॉन्ट होती है वही यूज़ करने वाले। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, जो आप यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो, जो कि बोल्ड टाइप के जो है वो आप यूज़ कर देना। चाहो तो ए बी फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, तो चाहे MM फॉन्ट भी यहाँ पर यूज़ करते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं ए वाला फॉन्ट यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, जो कि जिसका नाम है अमरनाथ बोल्ड, तो ये यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर देना है डन। देन इस तरीके से थोड़ी सी साइज़ इस तरीके से इंक्रीज़ कर देनी है। तो इंक्रीज़ कर देने के बाद दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। देन यहाँ से चल जाना है इमेज साइज़ वाले ऑप्शन पर। देन यहाँ से कस्टम है तो कस्टम पर टैप करके यहाँ से यूट्यूब थंबनेल यहाँ पर कर देना है। देन यहाँ से कर देना है ओके। देन उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आने के बाद इस वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। देन यहाँ से नीचे की साइड आना है, नीचे का ऑप्शन दिखेगा आपको टेक्सचर का, तो उस वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। देन यहाँ से गैलरी वाले आइकन पर टैप करके, तो इस वाले फोटो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसे सेलेक्ट करके यहाँ से कर देना है डन। देन यहाँ से इनेबल को यहाँ से इनेबल कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से भी कर देना है डन। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, नीचे की साइड आना है, नीचे का ऑप्शन दिखेगा 3D टेक्स्ट का, तो उस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। देन यहाँ से इनेबल कर देना है। देन आपको डेप्थ को यहाँ पर आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज करके देख लेना। तो यहाँ पर मैं डेप्थ को यहाँ पर डिक्रीज कर देता हूँ 8%। देन नीचे आना है, नीचे का ऑप्शन देखिएगा आपको डार्किन का, तो उसे भी यहाँ पर मैं इंक्रीज एंड डिक्रीज करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंक्रीज कर देता हूँ 56% या 55% इस तरीके से कर देता हूँ। देन यहाँ से एक्स रेजोल्यूशन को यहाँ पर 2% इस तरीके से कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों नीचे ये एनेबल है तो इसे ऑफ कर देना। तो कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है 3D टाइप का। देन उसके बाद दोस्तों इनर शैडो वाले ऑप्शन पर जाना है। देन यहाँ से इनेबल कर देना है। देन इनेबल कर देने के बाद दोस्तों इसका कलर आपको कर देना है व्हाइट कलर। देन यहाँ से ब्लर रेडियंस को यहाँ पर मैं 2% कर देता हूँ, 3% ये रहने देता हूँ। देन यहाँ से कर देना है डन। सो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद इस वाले आइकन पर टैप करके देन यहाँ से कलर में जाके ग्रीन सिलेक्ट कर देना। देन यहाँ से कर देना है डन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। देन कर देने के बाद दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर मैं कर देता हूँ। उसके बाद इस वाले आइकन पर आपको टैप कर देना। देन यहाँ से रिलेटिव पोजीशन में जाके इस तरीके से बीच में इस तरीके सेट कर देना। देन दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 डॉट में यहाँ पर टैप करके यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज एंड देन यहाँ से सेव टू गैलरी यहाँ पर कर देना है। सो ये पिक्सेल ऐप का काम हो चुका है। अब चलते हैं दोस्तों काइन मास्टर एप्लीकेशन में। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से मीडिया वाले आइकन पर टैप कर देना है। देन यहाँ से जो भी आपने पिक्सेल ऐप में सेव किया था उस वाले टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर कर देना है। देन यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पर साइज इसके रेजोल्यूशन यहाँ पर कम है, तो इस तरीके से हम ड्यूरेशन यहाँ पर बड़ा कर देते हैं 10 सेकंड तक। उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग पोजीशन पर जाना है। देन यहाँ से लेयर में, देन यहाँ से मीडिया में, जिस भी फुटेज में ये टेक्स्ट आप एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो उस वाले फुटेज को आपको ऐड कर देना। आप इंट्रो क्रिएट करना चाहते हो तो ये फुटेज में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से इसको यहाँ पर फुल स्क्रीन यहाँ पर कर देना है, कर देता हूँ। देन उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, नीचे की साइड आना है, नीचे का ऑप्शन दिखेगा आपको ओपेसिटी का, तो उस वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से 40% यहाँ पर ओपेसिटी यहाँ पर कर देना है, जो कि हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पर दिखना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ऊपर वाले जो हमने टेक्स्ट लिया था ग्रीन स्क्रीन, उसे भी हमारे जितना नीचे का मीडिया है इस पोजिशन पर हम लेके आएंगे। देन उसके बाद दोस्तों इस तरीके से करने के बाद फिर से हमें उस वाले पोजिशन पर टैप कर देंगे टेक्स्ट वाले। देन ऐसे पेन जूम वाले ऑप्शन पर जाएंगे, देन हमारे टेक्स्ट को इस तरीके से यहाँ पर कम कर देंगे, साइज छोटी कर देंगे। सो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। देन कर देने के बाद दोस्तों इतना यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ। देन इस तरीके से आने के बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर मैं देख लेता हूँ किस तरीके से एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। सो कुछ इस तरीके से एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों एंड पोजिशन पर आएंगे। देन इस तरीके से पोजिशन आने के बाद उस वाले टेक्स्ट को टैप करके यहाँ से पेन जूम वाले ऑप्शन पर जाएंगे। देन जितना जूम होता है इस तरीके से आपको बीच में इस तरीके से यहाँ पर जूम कर देना है। सो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इतना जूम। सो मेरा फिलहाल यहाँ पर इतना जूम हो रहा है टेक्स्ट। देन उसके बाद दोस्तों इस तरीके से बैक आना है। बैक आने के बाद स्टार्टिंग पोजीशन पे जाके एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं प्ले करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से जूम हो रहा है एंड एंड में इस तरीके से कुछ यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आने के बाद दोस्तों ये परफेक्टली यहाँ पर मैच हो चुका है। उसके बाद नीचे को जो हमने फुटेज लिया था उसको यहाँ डिलीट कर देते हैं।
सो डिलीट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक सब कुछ यहाँ पर ब्लैक है, तो उसके लिए हमें ग्रीन करना है। तो उसके लिए ड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाएंगे, देन ऐसे सर्कल एक शेप लेंगे, देन ऐसे कलर कर देंगे हम ग्रीन स्क्रीन। तो रेड को कम कर देते हैं, देन ग्रीन को यहाँ पर बड़ा हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद जो इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है, कर देने के बाद दोस्तों जो नीचे का जो हमारा हैंड राइटिंग ड्यूरेशन है थोड़ी सी कम है, तो इस तरीके से एंड तक लेके आना है। लेके आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके लिए की वाले ऑप्शन पर जाना है। जब ये टेक्स्ट जूम हो रहा है तो हमें देखना कि दोस्तों हमारे लेयर को यहाँ पर टच नहीं करना चाहिए, इसलिए हम प्लस के यहाँ पर क्लिक ऐड कर देंगे। देन हमारे लेयर को इस तरीके से नीचे साइड लेके आएंगे। जब जब भी इस तरीके से ये जूम हो रहा है तब तब एक प्लस की ऐड करके नीचे की साइड इस तरीके से लेके आना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेम, भी आप इस तरीके से यहाँ पर सेम कर देना। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जल्दी से इस तरीके से कर देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों लास्ट में भी इस तरीके से प्लस की ऐड करके नीचे की साइड इस तरीके से लेके आना है। सेम प्रोसेस दोस्तों वही भी रहेगा, इधर की साइड भी हम लेफ्ट की साइड भी इस तरीके से ड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाएंगे, देन इस तरीके से एक शेप यहाँ पर लेंगे, नीचे की साइड स्क्रेच कर देंगे। देन उसके बाद दोस्तों इस तरीके से हमारे टेक्स्ट को जो लेयर है उसे एंड तक ड्यूरेशन लेके आएंगे। देन इसे भी लेयर को इस तरीके से यहाँ पर फुल स्क्रीन यहाँ पर कर देंगे, टेक्स्ट के बाजू में इस तरीके सेट कर देंगे। कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी से इसे यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ, आप भी इस तरीके से सेम यहाँ पर कर देना। अब तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर मैं इसे जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 3D टेक्स्ट यहाँ पर ग्रे स्क्रीन में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इस वाले आइकन पर टैप करके यहाँ पर अपनी वीडियो को सेव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, फिर से यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है। जाने के बाद दोस्तों जो हमारा फुटेज है मेन फुटेज जिस पर आप टेक्स्ट लेना चाहते हो उस वाले फुटेज को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने उसे ऐड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन में जाके लेयर में जाना है, देन यहाँ से मीडिया में जो अभी हमने काइनमास्टर में ग्रे स्क्रीन में सेव किया था उस वाली यहाँ पर इफेक्ट वहाँ पर लेके आना है। तो लेके आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, नीचे की साइड आना है, नीचे को ऑप्शन दिखेगा स्प्लिट स्क्रीन का, उस पर जाके यहाँ से फुल स्क्रीन यहाँ पर कर देना है। देन उसके बाद बैक आना है, देन यहाँ से थोड़ा सा आगे की साइड इस तरीके से लेके आना है। देन इतने पोजिशन पर जाने के बाद यहाँ से चले जाना है आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पर, उस पर टैप करके यहाँ से इनेबल कर देना है। सेटिंग आप देख सकते हो जिस तरीके से सेटिंग आपको रहने देना है। देन रहने देने के बाद दोस्तों इस तरीके से बैक आना है। आने के बाद दोस्तों एक बार हम देख लेते कि किस तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी यहाँ पर ऑसम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों ऊपर के जो आइकन दिख रहा है उस पर आपको टैप करके सेव कर सकते हो। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, और भी ऐसे फ्यूचर में वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम टिकेस्ट या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।